हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नस्सों में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम फिर से एक नए डिश में आ गए हैं, रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे चिकन के समोसे। तो चिकन के समोसे, इसके लिए हमें 200 ग्राम चिकन का कीमा चाहिए और इसमें लहसुन और हरी मिर्ची को कूटती हूँ मैंने। लहसुन और हरी मिर्ची को बारीक कूट लेंगे। और ये है सेपू की भाजी। सेपू की भाजी यानी अब क्या बोलते हैं उसे, हम लोग यहाँ पे सेपू की भाजी बोलते हैं, सुई की भाजी कोई कोई बोलते हैं। तो यहाँ पे कोथमीर है, ये यहाँ पे बारीक चॉप किया ऑनियन दो, और यहाँ पे एक चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल गरम करने रख दी हूँ। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे, कांदा, इसे हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, कल हल्का सा सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें मिर्ची लहसुन जो हमने बारीक कूट के रखे उसको डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे इसे। तो देखिए, ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। बड़ा बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, समोसा बनाना। मेरे चैनल पर आप आओगे तो आपको सिंपल ही डिश मिलेगी, आसान सी। आप बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है चिकन समोसा। सभी को आ जाएगा, आप सभी को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई मसाले। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, अच्छे से भून गया, ये तेल अच्छा छोड़ दिया है। तब हम इसमें डालेंगे हमारा कीमा, चिकन का कीमा। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छे से भून ली हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर के हल्दी पाउडर भी डाली थी। अब हम इसे, इसमें थोड़ा सा पानी है यानी कि चिकन का ही निकला हुआ है, तो इसमें हम इसको इसमें ही पका लेंगे, चिकन को गला लेंगे। तो इसमें इसको हम 10 मिनट तक ढक कर पका लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें अभी भी ज़रा ज़रा पानी है ही है। हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे ये सेपू की भाजी, साथ में वो भी पक जाएगी इसके। और इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए, हमारा पानी सारा ड्राई हो गया है। और हम इसमें कोथमीर ऐड करेंगे, कोरिएंडर। गैस को बंद कर देंगे। अच्छे से इसके में हम मिक्स कर लेंगे इसको। तो चलिए, अभी समोसा बनाने के लिए ये रेडी हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स, देखिए ये
समोसे की पट्टी है, मिनी समोसा पट्टी। यहाँ पे हमारा कीमा और ये मैदे को हमने ज़रा घोल के इसका घोल बना दिया आटे का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पट्टी। इसको ऐसा मोड़ लेंगे। अब इसमें ये हमारा कीमा भर गए। और इसको इस तरह से हम पैक कर लेंगे अंदर से थोड़ा इसको दबा के। इसको भी हम अच्छे से पैक कर लेंगे। तो देखिए हमारे समोसा बन के रेडी। इसी तरह से हम सब बना के रेडी रहेंगे। फ्रेंड देखिए ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा कम कम ही भर रही हूँ। सब जगह हम मैदा लगा के उसको चिपका देंगे जहाँ जहाँ पर फूला हुआ है। तो देखिए हमने पूरे बना के रेडी कर लिए। अब हम इसे 10 मिनट तक है ना फ्रिज में रख देंगे, या तो फिर 10 मिनट आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो। मैं उसे 10 मिनट के बाद बनाऊंगी। फ्राई कर देंगे हम 10 मिनट के बाद में। 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे समोसे। हल्का सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के हम सब फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे चिकन के समोसे रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मेरे बेटा भी आपको बाय बोल रहे हैं। बोलिए बाय बाय। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी दबा देना और शेयर करना। अल्लाह बाय बाय।